हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों के लिए प्रीलिम्स ऑन पॉइंट के साथ आज हम लोग कवर करने वाले हैं बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम एज वेल एज इंडिया वाटर वीक 2019। आप लोग मुझे अकेडमी के प्लस मॉडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वेर आई एम द एजुकेटर, जो आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट दोस्तों, जो मेरा 6 AM शो था जो कि स्टडी आईएएस पे आता था, वो 7 AM शो के रूप में शिफ्ट हो गया है अन अकेडमी पे। तो आप लोग अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अन अकेडमी आर्टिकुलेट, वहाँ पर मेरा ये शो शार्प 7 AM देख पाएंगे। इस चैनल पे आप लोगों के लिए और भी बड़े बड़े इनिशिएटिव आते हुए नजर आएंगे। चलिए, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। गाइस, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो प्लास्टिक के फॉर्म होती हैं जिनको एक बार इस्तेमाल किया जाता है, फिर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स होते हैं वो होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल, सोडा बॉटल, स्ट्रॉ, प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, यहाँ पर जो फूड पैकेजिंग होती है, वो सारे के सारे सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर आते हैं। इंडिया इज कमिटेड टू इन द रिजोल्यूशन ऑफ बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसको यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इंडिया ने प्लीड किया था कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे बाय 2022। यहाँ पर 9 रीजंस टू रिफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक। 9 बड़े बड़े रीजंस हैं कि एक तो दे आर मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, उनकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है। यहाँ पर दे वी विल स्टिल बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू लिव। यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज ही सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकल हो पाती है। टॉक्सिन्स यहाँ पर घुस जाते हैं फूड के अंदर, ड्रिंक के अंदर, और हार्मोनल डिसरप्शन भी होने लगती है। हमारे ओशन को यहाँ पर ये इम्पैक्ट करते हैं, मरीन एनिमल्स को इम्पैक्ट करते हैं, और फूड चेन के अंदर भी एंटर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉप की तरफ। गाइस, ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स। नंबर वन गाइस, नाइजीरिया हैज़ बिकम द 4th अफ्रीकन नेशन टू जॉइन द ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 साल पहले बनाया गया था आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ द IPBES असेसमेंट ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन। इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ल्ड के पॉलिनेटर्स को कंजर्व किया जा रहा है। मेन इनिशिएटिव यहाँ पर जो कॉलिशन का है वो यहाँ पर नीदरलैंड ने लिया था एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि मेक्सिको के अंदर हुआ था। कॉलिशन के अंदर अब 28 सिग्नेटरीज हैं, जिसके अंदर 17 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 5 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कैरेबियन कंट्रीज हैं, और 4 अफ्रीकन कंट्रीज हैं। गाइस, 16.5% जो वर्टिब्रेट पोलिनेटर्स हैं उनको खतरा किस चीज़ का है? उनको खतरा है ग्लोबल एक्सटिंक्शन का, ऐसा कहना है IUCN का। जो असेसमेंट है वो हाईलाइट करता है कि जो 75% जो फूड क्रॉप्स हैं पूरी दुनिया में एंड नियरली 90% जो वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसी ना किसी एनिमल पे या किसी ना किसी पोलिनेटर पे। जो पोलिनेटर डिपेंडेंट स्पीसीज हैं जिसके अंदर हमारे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, सीड्स आते हैं, नट्स आते हैं, ऑयल क्रॉप्स आती हैं, वो मेजर सोर्स हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, विटामिंस के और मिनरल्स के। इस वजह से गाइस पोलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करना सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में। गुजरात गवर्नमेंट ने एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लॉन्च किया एज अ रेगुलेटरी टूल, जिसकी मदद से पॉल्यूशन के लोड को कम किया जा सके। इस स्कीम के अंदर एक ओपन मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम खुला है जहां पर पार्टिकुलेट मैटर एमिशन को फिक्स कर दिया गया है इंडस्ट्री के हिसाब से, और अगर कोई इंडस्ट्री एक्सीड करती है तो वो दूसरी इंडस्ट्री से खरीद सकती है यहाँ पर क्रेडिट्स, जिसने अपनी लिमिट से कम यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर को एक्सपोज किया है। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड सेट अ कैप ऑन द टोटल एमिशन लोड फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिंग परमिट्स हैं वो किलोग्राम के अंदर यहाँ पर आई हैं, तो ये एक तरीके का कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म है। जो प्राइस है यहाँ पर परमिट का, इट इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस द सीलिंग ऑफ ₹100 पर किलोग्राम और फॉल बिलो ₹5 पर kg, बोथ ऑफ विच मे बी एडजस्टेड आफ्टर द रिव्यू। आज आपके लिए प्रीलिम्स ऑन पॉइंट में इतना ही था। आप लोग मेरे आज सुबह के डेली करंट अफेयर्स को भी देख सकते हो, देखना बिल्कुल मत भूलना। और आपके लिए हम लोग विजन IAS की मैगजीन भी कर रहे हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। Love and peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a great day ahead. Bye-bye. Take care.